हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोमटेक। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि यूनियन बैंक का आरटीजीएस या नेट फॉर्म कैसे भरेगा। तो आप ये मेरी वीडियो पूरी लास्ट तक देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इस फॉर्म में सबसे पहले आपको अपनी ब्रांच भरनी होती है जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं आरटीजीएस या नेफ्ट के लिए। फिर क्या होता है, आपको अपना खाता नंबर भरना होता है, ओके, अपना खुद का। फिर आपको नाम भरना होता है अपना। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर भरना होता है। इसके बाद क्या होता है, आपको पैन कार्ड भरना होता है अगर आप 50,000 या उससे ज़्यादा का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। फिर क्या, आपको राशि भरनी होती है, रुपीज़ कितने रुपए आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ओके। अब जितने रुपए ट्रांसफ़र करते हैं उसके अकॉर्डिंग एक्सचेंज चार्जेस लगते हैं बैंक के, तो आपको वो यहाँ भरने होते हैं और आपको टोटल रुपीज़ लिख देने होते हैं। इसके बाद क्या, आपको जैसे कि आप चेक से पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं क्या नेफ्ट या आरटीजीएस करते हैं, तो आपको पैसे जो ट्रांसफ़र करने हैं आपको चेक भरना होगा। फिर आपको क्या है, चेक नंबर यहाँ भरना होता है और चेक किस दिन कटा हुआ है, चेक पे किस दिन की तारीख है, वो यहाँ भरनी होती है। इसके बाद क्या, वो डिटेल भरनी है, बेनिफिशरी डिटेल, कि आप जिसको पैसे भेज रहे हैं उसका अकाउंट नंबर डालना है। तो देखिए, हमने अकाउंट नंबर डाल दिया। फिर क्या करना है कि जिसके अकाउंट में हम रुपये डालना है उसका नाम भरना है, तो हमने नाम लिख दिया, देखिए। फिर क्या, एड्रेस लिखना है उस आदमी का जिसके में हम पैसे डाल रहे हैं। फिर उस आदमी की बैंक है उसका नाम लिखना है और आईएफएससी कोड लिखना है। बैंक हमने यहाँ लिख दिया, पंजाब नेशनल बैंक, और यहाँ हमने आईएफएससी कोड लिख दिया है। फिर आपको यहाँ डेट लिखनी है और अपने साइन कर देने हैं। इसके बाद क्या है कि आपको काउंटर पर यह फॉर्म जमा कर देना है। फिर क्या हुआ कि यहाँ से ये हिस्सा काट के नीचे वाला आपको मिल जाएगा, ऊपर वाला बैंक रख लेगी, ओके। तो यहाँ पे आपके 100 रुपये लिखे होंगे आपने जो ट्रांसफ़र किए हैं, और बैंक आपको एक नंबर देती है जो होता है UBINH नंबर। इस नंबर की मदद से आप ट्रैक कर सकते हैं आपके रुपीज़ बेनिफिशरी के अकाउंट में पहुँचे या नहीं पहुँचे। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको मेरी वीडियो मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।